भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सुबह 10:30 बजे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से जाखू स्थित उनके निवास स्थान हॉली लॉज पहुंचे। जेपी नड्डा ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का कुशलक्षेम जाना। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आज मैं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का कुशलक्षेम जानने के लिए यहां आया था। व्यवस्थाओं के चलते मैं उनसे मिलने नहीं आ सका। जब से उनका स्वास्थ्य खराब हुआ है मैं पहली बार शिमला आया हूँ। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वह वीरभद्र सिंह से मिले और उनका स्वास्थ्य बेहतर है तथा साथ ही उन्होंने उनकी दीर्घायु की कामना भी की। वहीं जेपी नड्डा दिल्ली हिंसा के सवाल पर बिना कुछ कहे आगे निकल गए। आज मैं यहाँ सम्मानीय वीरभद्र सिंह जी से मिलने आया था, उनका कुशल क्षेम पूछने आया था। पीछे उनकी तबीयत थोड़ी अस्वस्थ थी, जब वो PGI में थे उस समय मैं अपने कार्यक्रमों में व्यस्त था तो उनसे मिल नहीं पाया था, उनका कुशल क्षेम पूछ नहीं पाया था। शिमला उसके बाद मैं पहली बार आया हूँ और मेरा संबंध उनके साथ विधानसभा का 1993 का है, जब वो मुख्यमंत्री थे और मैं विपक्ष का नेता BJP ग्रुप का नेता था। तब से हमने विधानसभा में लंबे दौर सामने विपक्ष और पक्ष में देखे हैं, तो उनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध और हिमाचल प्रदेश में जो उन्होंने उनका स्थान है राजनीति में उसको हम सब लोगों ने अप्रिशिएट किया है, तो इसलिए मैं उनके कुशल क्षेम पूछने आया था। और मुझे खुशी है कि उनकी तबीयत अच्छी है और वो एक्टिव हैं, और भगवान उनको लंबी उम्र दे और स्वस्थ रहें। एक छोटी सी बात और, दिल्ली हिंसा में जो कई लोगों बस हो गया, एक छोटा सा बता दीजिए। इसी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि जेपी नड्डा उनसे मिलने यहां आए, वह लंबे समय से राजनीति में हैं, लंबे उतार चढ़ाव देखे हैं, राज्य चलाने के साथ साथ वह केंद्र में मंत्री भी रहे, लेकिन उन्होंने कभी शालीनता नहीं छोड़ी तथा राजनीति में शराफत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा ने बेटे की शादी की धाम का न्योता भी दिया है और वह धाम में अवश्य जाएंगे। वहीं उन्होंने दिल्ली में हो रही हिंसा पर कहा कि शिमला में बैठे बैठे दिल्ली का आकलन करना उचित नहीं है। कई किस्म के मूर्ख हैं, कई 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 पदों पर गया हूँ और राज्य सरकार को चलाया है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर रहा हूँ और हमने शालीनता कभी नहीं छोड़ी। जी, एक आखिरी सवाल सर, दिल्ली में हिंसा जिस तरह से हुई है, सोनिया गांधी ने अभी अमित शाह का इस्तीफा तक मांगा है और दर्जनों लोगों की जानें सर वहां पर चली गई हैं, जिस तरह की हिंसा हुई है सर, कैसे देखें इसको? क्या जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, क्या वो विफल रही है इस पूरे मामले पर काबू पाने में? मैं शिमले में बैठा हूँ और दिल्ली का मुलाकात करूँ तो सही बात नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार को चलाने का जो चलन है वो निश्चित बदल गया है। कोई भी सरकार हो जी, के बेटे की शादी की रिसेप्शन में उसमें जाएंगे आप? हाँ, हुआ अवश्य। पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जेपी नड्डा उनके पिता वीरभद्र सिंह का कुशल क्षेम जानने यहां आए थे। वीरभद्र सिंह ने भी उन्हें हिमाचल के नाम रोशन करने तथा भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सभी के राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सभी को राजनीति से हटकर शिष्टाचार संबंध रखने चाहिए, जिसकी मिसाल आज जेपी नड्डा ने दी है। जिस तरीके से अभी माननीय नड्डा जी ने कहा कि वो एक शिष्टाचार भेंट थी, क्योंकि मेरे पिताजी का थोड़ा स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं चल रहा था कुछ समय से, तो इसलिए वो उनका जो है स्वास्थ्य जानने के लिए और अपनी शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर आए हैं, और वीरभद्र सिंह जी ने भी उन्हें
जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश का नाम ऊंचा किया है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बने हैं, उसके लिए उनको बहुत शुभकामनाएं दी। और जैसा नड्डा जी ने खुद कहा कि वो जब पहली बारी विधानसभा में चुनकर आए थे और विपक्ष के नेता थे 1993 में, उस समय उन्होंने वीरभद्र सिंह जी के साथ काफ़ी कुछ जो है सीखा है। और मैं समझता हूँ कि हमें राजनीति से हटकर एक शिष्टाचार संबंध जो है वो सब लोगों के साथ रखना चाहिए। और हमारे राजनीतिक डिफरेंसेस हो सकते हैं, हम जो है मुद्दों के ऊपर एक दूसरे को घेर सकते हैं, एक दूसरे का विरोध कर सकते हैं, मगर उससे हटकर एक शिष्टाचार के रूप से हमारा अच्छा संबंध सबके साथ होना चाहिए। और उसकी एक अच्छी मिसाल आज माननीय नड्डा जी ने यहाँ पे आकर दी हैं, और हम भविष्य में भी इस तरीके का एक पॉजिटिव राजनीति, एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स प्रदेश में करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक मुद्दों की बात है, जहाँ तक प्रदेश हित की बात है, उसमें कोई कमी सरकार की रहती है, भारतीय जनता पार्टी के शासन की रहती है, उसको हम मजबूती के साथ उठाएंगे, इनका विरोध करेंगे। मगर जब इस तरीके की मुलाकात होती है, बैठक होती है, कोई शिष्टाचार भेंट होती है, उस चीज़ का भी हमें जो है वो समर्थन करना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। उनके दादी के सुपुत्र का विवाह हुआ है, उसकी उन्होंने जो है एक रिसेप्शन धाम जो है वो बिलासपुर में रखी है, तो उसके लिए वो व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे राजा साहब वीरभद्र सिंह जी को अपना निमंत्रण देने आए थे, उसको हमने स्वीकार किया है, उनका धन्यवाद किया है। और अगर उनका स्वास्थ्य ठीक रहा तो निश्चित तौर से वो व्यक्तिगत रूप से इस धाम में जो है वो बिलासपुर में उपस्थित रहेंगे। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से विक्रांत भदन की रिपोर्ट। अपने शहर का करें आकलन, उठाएं नागरिक की आवाज और बताएं क्या आपका धर्मशाला शहर जीवन यापन की दृष्टि से उत्तम है या नहीं, जिसके आधार पर पेश किया जाएगा ईज ऑफ लिविंग एवं नागरिक अनुभव का रिपोर्ट कार्ड। तो आप भी ईज ऑफ लिविंग परसेप्शन सर्वे में भाग लेकर शहर के प्रति अपना विचार साझा करें। तो उठाए अपना फोन और बार कोड को स्कैन करके कहे अपने दिल की बात। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.livetimes.tv।